हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में हम बात करने वाले बैलेंस चेंजेस के बारे में, मतलब कुछ ब्रॉलर्स के ना 11 ब्रॉलर्स के बैलेंस चेंजेस किए गए हैं जो अगले ही हफ्ते से ये गेम में लागू हो जाएंगे, मतलब गेम में ये आ जाएंगे। और उसमें से काफ़ी ऐसे ब्रॉलर्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, तो उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो हम देखते हैं। चलिए आ जाते हैं हम अपने वीडियोज़ पर कि कौन कौन से ब्रॉलर्स हैं जिनके बैलेंस चेंजेस हुए हैं। और पहले हम लोग लाड़ा लौड़ी से ही स्टार्ट करते हैं गाइस। जो लाड़ा लौड़ी का जो अनलोड स्पीड है वो अब घटा के अभी लाड़ा लौड़ी का जो अनलोड स्पीड है वो 150 है और उसको घटा के 300 कर दिया गया है। तो जो उसका हीलिंग गियर है, फॉल बैक जो सेकेंड गियर है, ऑर्डर फॉल बैक, इसका अभी हीलिंग है मैक्सिमम 33%, ये घटा के अब 25% कर दिया गया है। लाड़ा का जो सुपर है वो रिड्यूस कर दिया गया है दोनों, मतलब जो इसका सुपर जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो निकलता है सुपर इसका लौड़ी, उसका रिड्यूस शूटिंग गन डैमेज 300 से 150 कर दिया गया है। और रिड्यूस सुपर गेन फ्रॉम शूटिंग गन, जो इसको इससे फायर करते हैं ना हम लोग, उसका भी रिड्यूस कर दिया गया है 50% से। तो भाई इस ब्रॉलर पे काफ़ी गहरा अभी इफेक्ट पड़ने वाला है गेम में, हो सकता है बहुत ब्रॉलर प्लेयर्स यूज़ भी ना करें इस चीज़ को। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्रॉलर के चेंजेस के ऊपर। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट ब्रॉलर है जिसके चेंजेस किए गए हैं वो है हमारा पर्ल। इसका जो कुकिंग वाला जो डैमेज है ना, ओवर कुक डैमेज, इसका 33% से घटा के 25% कर दिया गया है। ये भी काफ़ी इम्पैक्ट देगा गेम के ऊपर। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट ब्रॉलर के ऊपर। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट ब्रॉलर है वो है सैम। उसका जो नकल बस्टर जो है उसका डैमेज 1200 से बढ़ा के अब 1400 कर दिया गया, मतलब 12000 से 200 ऐड ऑन करके 14000 कर दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रॉलर पे। हमारे कुछ ब्रॉलर्स के ना एचपी इंक्रीज किए गए हैं, जिसमें से पाइपर का एचपी 2400 से अब 2500 कर दिया गया है, बी का एचपी 2400 से 2500 कर दिया गया, इसका भी 100 बढ़ा दिया गया है, मैक्स का एचपी बढ़ा के 300 से 33000 कर दिया गया है, मतलब 300 बढ़ा दिया गया है इसका। हमारा जो नेक्स्ट ब्रॉलर है वो है कारल। कारल का जो पिकेक्स डैमेज जो है वो 660 से बढ़ा के 7040 कर दिया गया, 740 कर दिया गया, 80 बढ़ा दिया गया इसका डैमेज। तो कोको उसका फर्स्ट गियर का जो मतलब हीलिंग है वो 8% था, अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है 10% से, अब 10% पर सेकेंड एचपी वो अपना हीलिंग करेगा। और सेकेंड गियर का वो चेंजेस कर दिया गया, इसका कैसे अभी दो सेकेंड के लिए वो रिमूव कर देता था 2 सेकेंड के अंदर, अब वो 4 सेकेंड में करेगा, मतलब अब 2 सेकेंड से वो 4 सेकेंड पर आ गया। जो सेकेंड गियर का प्रोटेक्टिव टर्न था ना वो अब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड कर दिया गया है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट ब्रॉलर पे। बोनी उसका डैमेज इंक्रीज कर दिया गया है, अब पहले 1000 था और अभी 1120 कर दिया गया है डैमेज, मतलब 120 बढ़ा दिया गया है डैमेज। और एक और छोटा सा चेंज किया है उसका, इंक्रीज कर दिया है सुपर स्लाइटली, थोड़ा फास्टर सुपर चार्ज हो जाएगा, जितना कंपेयर पहले होता था उससे फास्टली हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट ब्रॉलर की तरफ। बायरन, बायरन का जो डैमेज है ना हीलिंग वाला और शूटिंग वाला, मतलब जस्ट लाइक वो जो अपना फायर करता है उसका हीलिंग प्लस डैमेज इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 340 का करता था, अब वो 380 का करेगा, मतलब 40 से बढ़ा दिया गया। तो गाइस हमारा जो लास्ट ब्रॉलर जिसका बैलेंस चेंजेस किया गया है वो है कोलेट। अब कोलेट का ना बहुत बड़ा चीज़ चेंज किया गया, वो जो इसका हाइपर चार्ज रेट था ना, हाइपर चार्ज चार्ज होने का जो रेट होता था ना, वो चेंज कर दिया गया है। पहले 40% था, अब उसको घटा के 30% कर दिया गया है, मतलब 10% घटा दिया गया हाइपर चार्ज में। तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट पर आएगा गेम के ऊपर, मतलब काफ़ी प्लेयर कम यूज़ करेंगे। लेकिन देखते हैं गाइस आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कॉमेंट के नीचे बताओ गाइस। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ भी टिप्स देना हो सजेशन, कमेंट के नीचे आ जाओ गाइस, बात करते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय।